बहुत सारे लोगों की एक बहुत गंदी आदत होती है, बहुत ज़्यादा गंदी, कि वो अगले इंसान को बहुत ही भला बुरा बोलता है। और जब वो कोई इंसान दूसरे इंसान को भला बुरा बोलता है तो वो इंसान क्या करता है कि पलट के उसको जवाब देने की उसकी भी आदत ये बहुत, कि पलट के उसको जवाब देना चाहता है कि इस इंसान ने, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगले इंसान ने कहा कि ये बहुत मोटा है और ये बहुत गंदा सा है, ये बहुत गंदा लग रहा है, तो उसको वो तुरंत, उसको वो बात ना दिल पे हट कर जाती है उस इंसान के, कि इस इंसान ने मेरे लिए ऐसा कैसे बोला। मतलब दिल को अंदर से झिंझोर के रख देती है कि ऐसा कैसे मेरे लिए बोला। तो वो इंसान उसको जवाब देने के लिए उतावला हो जाता है कि इसकी हिम्मत कैसे है, इसने मुझे मोटा बोला। तो ऐसा होता है कि अगर हम उसको जवाब दे रहे हैं तो हम भी उसी की तरह हो जाते हैं। तो हमें ऐसे में क्या करना है कि हमें उन बातों को इग्नोर करना है। कोई हमें अगर कोई कुछ भी बोलता है तो हमें उसको जवाब नहीं देना है, क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि देखो बोलने वाले तो कभी मुंह अपना बंद नहीं रखते हैं। जो हमें नहीं पसंद करता है वो हमेशा हमारे लिए कुछ गलत ही बोलेगा, ठीक है। लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसकी बात को सीरियस ले रहे हैं और किसकी बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं हूँ, मैं एक, मेरा एक यूट्यूब चैनल है तो मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो मेरे वीडियोस पे बहुत से लोग अच्छे कमेंट भी करते हैं, बहुत से लोग बुरे कमेंट भी करते हैं। ये तो सबको ही पता होगा कि अच्छे भी कमेंट आते हैं, बुरे भी आते हैं। तो उन कमेंट को, कोई अच्छे होते हैं तो कुछ कुछ लोग तारीफ़ करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि बकवास वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें बोलते हैं, कि कुछ बोलते हैं मोटी हैं, काली हैं, कुछ भी, तो ऐसे कमेंट आते हैं। तो वो हमारी प्रॉब्लम, मतलब हमारे, उनकी ये प्रॉब्लम कि वो ऐसे कमेंट करें, वो अब बात हमारी है कि हम किस कमेंट को सीरियस ले रहे हैं, किस कमेंट को इम्पॉर्टेंट दे रहे हैं और किस को नहीं दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो अच्छे कमेंट रहेंगे, जो हमारे लिए अच्छा बोलेंगे, तो हम उनको इम्पॉर्टेंट देंगे, ना कि उनको इम्पॉर्टेंट देंगे जो हमारे लिए उल्टा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। देखो ये प्रॉब्लम उनकी है कि हो सकता है कि वो जिसकी वीडियो देखते हों वो ज़्यादा अच्छा हो, या फिर मतलब उनको कोई और पसंद हो, वो हमारी वीडियो देख रहे हैं, हम उनको पसंद नहीं है और हमारी शक्ल नहीं अच्छी लग रही है अगले इंसान को, तो वो हमारे लिए बैड कमेंट कर रहा है। तो करने दो, हमें उस चीज़ों से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ उस बात से मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जगह ठीक है, हम गलत एडवाइस नहीं दे रहे हैं, गलत ब्लॉग नहीं बना रहे हैं, गलत वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम ठीक बना रहे हैं, हम अपनी जगह ठीक है। तो हमें वही सोचना है, ना कि उन लोग के लिए। बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है कि उनको कितना भी इग्नोर करो फिर भी वो बोलते ही बोलते हैं गलत। और ये हम होते हैं, हम ये सोचते हैं अरे नहीं, हम इतना इग्नोर कर रहे हैं, इतना इग्नोर कर रहे हैं, फिर भी वो इंसान हमारे लिए ऐसा ऐसा बोल रहा है। दिल को एक छू जाती है बात, हर्ट होती है कि नहीं मैं कैसे बर्दाश्त करूँ, वो मैं चुप हूँ फिर भी वो इंसान बोले पड़ा है, क्यों बोल रहा है वो इंसान, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा है कि अब पलट के जवाब देना ही देना है। तो वहीं पे ये चीज़ गलत हो जाती है कि हम कितना कितना टाइम वो इंसान बोलेगा, हमें इग्नोर करना है उसकी बात को, बिल्कुल इग्नोर करना है, जैसे कि इस कान से सुना इससे निकाल दिया। और वो कब तक, नहीं कब तक बोलेगा, जब तक बोलेगा, जब तक वो ये चाहता है अगला इंसान कि हम बोलें और ये हमारे सामने इस बात का रिप्लाई करे, बात बढ़े, क्योंकि अगर हम भी बोलेंगे अगला इंसान भी बोलेगा तो बात ख़त्म नहीं होने वाली है, यहाँ पे और झगड़ा बढ़ने वाला है। ये बात मैंने रियलाइज़ कर ली है और करके ही आप लोग को इस बात की मैं नॉलेज दे रही हूँ कि ये तो पता है कि झगड़ा और बढ़ने वाला है, क्योंकि ख़त्म नहीं होने वाला है। तो बस इतना ही कहना है कि मतलब इग्नोर करिए, जितना हो सके इग्नोर करिए वो, क्योंकि कोई हमें गलत कह देगा तो हम वैसे हो नहीं जाएंगे, और अगर हैं तो हैं भाई, किसी के कहने से कुछ नहीं हो जाता, हम हैं ऐसे तो हैं, तो कोई कुछ भी बोले हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगला इंसान की वो प्रॉब्लम है कि उसको बोलना है गलत, तो बोलना है, तो बोलने दीजिए,
हमें इन सब बातों को इग्नोर करना है और अपने आप में रहना है, अपने आप को खुश रखना है, अपना माइंड को फ्रेश रखना है और ये सोचना है कि हम हमेशा हमारा दिन हैप्पी कैसे रहे, हाँ हमें किन बातों पे ध्यान देना है किन पे नहीं, अपने आप को बिजी रखिए ताकि इधर उधर की बातों पे ध्यान ना जा पाए। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को इतना मेरी बातें ये ठीक लगी, कुछ भी आप लोग को नॉलेज लगी हो इस वीडियो में, कुछ भी समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं अभी इस समय एक मंथ बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी, मैं नहीं बना पा रही थी, तो कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो डालती रहूँ और आप लोग का प्यार सपोर्ट मुझे मिलता